नमस्कार, रिचा रियल वेजिस में आपका स्वागत है। आज मैं बड़ा पाव बनाने जा रही हूँ। बड़ा पाव बॉम्बे का स्ट्रीट फूड है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़ा पाव बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है, चार आलू लिए हैं, एक नींबू का रस लिया है, हरा धनिया लिया है, एक पिंच बेकिंग सोडा लिया है, अदरक कद्दूकस करके ली है, तीन चार हरी मिर्चें काट के लिए हैं, खट्टी चटनी ली है, मीठी चटनी ली है, गरम मसाला, राई, एक पिंच हल्दी, 10-12 कड़ी पत्ता, नमक, मूंगफली दाना, नारियल पाउडर, जीरा, हींग, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, 6 पाव लिए हैं। तलने के लिए ऑयल लिया है। सूखी चटनी बनाने के लिए 1 चम्मच जीरा डाला हमने। जीरा को रोस्ट कर लेंगे। गैस को सिम पर रखा है। जीरा रोस्ट हो गया, मूंगफली दाने डाल लेंगे, इनको भून लेंगे थोड़ा सा। नारियल बुरादा ये थोड़ा भूनेंगे। हींग 1 पिंच डालेंगे। एक चम्मच अमचूर पाउडर, गैस को बंद कर लिया है। अब इन सब चीजों को हम पीस लेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, अब इसे हम पीस लेते हैं। बड़ा पाव की चटनी हमने तैयार कर ली है, सूखी वाली। अब हम आलू फ्राई करने जा रहे हैं बॉन्डे के लिए। फ्राई पैन में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम राई डालेंगे, इसमें हम अब जीरा डालेंगे, हल्दी, कड़ी पत्ता, अदरक का पेस्ट, एक पिंच हींग, धनिया पाउडर, हरी मिर्चा, अब आलू को फोड़ के डाल लेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला, नींबू का रस, हमें 1 नींबू का रस निकाल लिया है।
बोंडों के लिए आलू तैयार हैं। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं एक बाउल में निकाल के। बोंडे बनाने के लिए पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च, एक पिंच हींग, वन पिंच बेकिंग सोडा, वन पिंच हल्दी, अब हम घोल को तैयार कर लेते हैं। बॉन्डे फेंकने के लिए हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। छोटे बॉल्स की तरह इसे हमने बना लिया है। एक साइड में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है बॉन्डे बनाने के लिए। बेसन में लपेट के बॉन्डों को हम सेकते जाएंगे। आलू बॉन्डों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। बॉन्डों को हम क्रिस्पी करना चाहें तो आप बेसन के घोल में 2 चम्मच चावल का आटा भी मिला सकते हैं। ये भी हमारे बॉन्डे तल के तैयार हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार हम सारे अपने बॉन्डे सेक लेंगे। पाव को हम इस तरह काटेंगे। एक साइड में सूखी चटनी लगाएंगे। एक साइड में ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये चटनी लगाने के बाद इसमें एक बॉन्डा रखेंगे और बॉन्डे को इस तरह से प्रेस कर देंगे। बड़ा पाव बनके तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा।